वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि अगर आप चाहें कि बिना सामान्य धन के सिलेक्शन ले ले सरकारी नौकरी करने, थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करनी है तो आप सभी लोग को सामान्य धन की सीरीज में जीएस, जीके, बीवी क्यों सभी तथ्यों को पढ़ना है, जहां से आपके परीक्षा में बार बार आता है, परीक्षा में प्रश्न आते हैं, चाहे यूपी स्पेशल भी हो, कंप्यूटर हो, इन सभी तथ्यों को मिलाकर पढ़ेंगे। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये कोशिश करिएगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक तो पहुंचाइएगा। सिलेक्शन चाहिए, नौकरी करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो दिए गए प्रश्न का जवाब भी इस कमेंट सेक्शन में देते रहेगा, ताकि हमें भी ये पता चलता रहे, आपको भी ये पता चलता रहे कि कितने प्रश्न का उत्तर सही है। और ये जब भी इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो सब लोग ये जरूर बताइएगा कि आपके कितने में से कितने सही हुए, क्योंकि हम ही अपने आप को अनुभव करेंगे कि आप परीक्षा हाल के अंदर बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं? परीक्षा हाल के अंदर आप बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज आप सभी के साथ मिलकर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, यहाँ पे आपके सामने जो प्रश्न बैंक है वो कुछ इस प्रकार से है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास निम्न प्रकार से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम सभी, आप सभी, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। एक मिनट रुकिएगा, थोड़े से हम लोग ठीक है। एक मिनट रुकिएगा ताकि अध्ययन अध्यापन करने में हम लोग को समस्या जो है वो ना रहे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, जितने इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। कह रहा निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा जो संस्कृति है, कौन सा जानवर सील, एक मिनट रुकिए, सिस्टम थोड़ा सा तेजी से रन नहीं कर रहा है। हाँ अब कर रहा है। कौन सा जानवर सील तथा टेरिकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता? तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। गाय, हाथी, राइनोसेरस, बाघ। तो जी हाँ, यहाँ पर अगर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पे हाथी के भी मिले, बाघ के मिले हैं, राइनोसेरस के मिले, लेकिन अगर बात करें तो गाय के नहीं मिले। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर ही गलत है, और जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हड़प्पा में मिली जो ज्यादातर मूर्तियां वो पक्की मिट्टी के थे। किसके थे? पक्की मिट्टी के थे। टेरिकोटा का मतलब होता क्या, एक प्रश्न है, शब्दावली है, अगर आप नोट्स पढ़े होंगे इलेनी पे दुर्गेश को तो आपको शायद पता होगा। टेरिकोटा, टेरिकोटा का मतलब होता है पक्की मिट्टी। इसका मतलब ही क्या होता है, पक्की मिट्टी होती है। तो ज्यादातर जो मिली है सभी जानवरों की थी, लेकिन उसमें गाय का, कोई भी पक्की मिट्टी का हड़प्पा संस्कृति में प्रदर्शन नहीं मिला। कोई भी ऐसी मिट्टी का जानवर नहीं मिलता है जिसमें गाय की आकृति रही हो। हम बात करते हैं एक और अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? व्यापारी और वाणी, ऋणदाता एवं स्वयं सक्षम, गरीब और बड़ा व्यापारी, महिला और शूद्र। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा में मिली पक्की मिट्टी जिसे हम टेरिकोटा कहते हैं, उसमें जो मूर्तियां मिली थी ज्यादातर पक्की मिट्टी के, हाथी के, बाघ के, राइनोसेरस के थे, लेकिन गाय की नहीं थी। इसलिए पहले प्रश्न का जो उत्तर हम लोगों ने देखा वो ए हो गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? व्यापारी और वाणी, ऋणदाता एवं स्वयं सक्षम, गरीब और बड़ा व्यापारी, महिला और शूद्र। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस भी हम पढ़ते चल रहे हैं, ताकि यहां से अगर सवाल आपकी परीक्षा में आए तो गलत ना होने पाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, हमारा उद्देश्य आपके लिए सरकारी नौकरी है। तो यहां पर हमने देखा, यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो महिला और शूद्र होगा। माने यहां पर हमने देखा कि समाज के दो वर्गों, महिला और शूद्रों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था। बौद्ध संघ का दरवाजा हर किसी के लिए खुला था, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, मजहब का हो। बौद्ध संघ में प्रवेश का अधिकार स्त्रियों को भी मिला। आपको जानकर हैरानी होगी, महिलाओं को भी
बौद्ध संघ में प्रवेश का अधिकार मिला था। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही और सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वह इसका उत्तर डी होगा। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ। जी हां, विमान शैली मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो बताइए फटाफट कमेंट करके। आइए हम इस टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करते हैं। एक बार आप लोग इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, चाहे इलनिबित दुर्गेश के ऐप पर देख रही निशुल्क क्लास देश हित में, राष्ट्रहित में, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शेयर कर दे यार, पैसा नहीं लगेगा। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बता रहे, कुछ लोगों का उत्तर सही आ रहा है कि विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में शुरू हुआ। किसके काल में? चोल वंश के शासनकाल में शुरू होता है। ठीक है, तंजीर का बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजा राम चोल ने लगभग 1000 ईस्वी में बनवाया था। यह जो तंजीर का बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति, जो द्रविड़ शिल्पकला का सर्वोत्तम कृति जो है, ध्यान दीजिएगा, अब भारतीय वास्तुकला की सबसे बड़ी कसौटी मानी जाती है। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान है। जो बृहदेश्वर मंदिर है, यहां पे पूछा जाता है, लिख लीजिएगा सभी लोग, यहां से भी सवाल आता है, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं आपकी मर्जी है तो लिख लीजिएगा, बृहदेश्वर मंदिर। पहली बात तो यह पूछ लेगा कि इसका निर्माण किसने कराया था, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा राम चोल ने कराया था। किसने कराया था? राजा राम चोल ने कराया था। राजा राम चोल कब कराया था? लगभग 1000 ईस्वी में। तो यह द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति थी, यह भी याद रखिएगा। और यह कहां? तंजीर का। यहां भी प्रश्न पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तंजीर का। तंजीर का, तो देखिए ज है मेरा, क्योंकि देखिए मेरा ज है, तंजीर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो मतलब इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख ले अपने पास, चाहे जिस तरह से इस प्रश्न को समझना चाहे समझ ले, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा बताइए सभी लोग, जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा जयसिंह ने, सॉरी चोल वंश हो गया। ठीक है, अब अगला उत्तर है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका राजा जयसिंह, सॉरी अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राजा मानसिंह ने कराया था। किसने कराया था? राजा मानसिंह ने कराया था। आइए ध्यान से देखते हैं किसने कराया था। राजा मानसिंह ने कराया था। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने? राजा मानसिंह ने कराया था। किसने कराया था? राजा मानसिंह ने कराया था। हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग चाहते इसके स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, शिवाजी के जीवन काल, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहां थी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ऐसा एवरग्रीन प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में यहां से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। मालव प्रवेश, बीजापुर, अहमदनगर, सतारा। तो शिवाजी के जीवन का अगर प्रारंभिक काल देखा जाए तो लगभग 1656 से शुरू होता है, 1656 से, जहां से प्रश्न पूछा है। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। शिवाजी ने किसको? रायगढ़ को। इनकी क्या थी? राजधानी थी, यह इनकी राजधानी थी। तो यह इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं आपके लिए, लेकिन कहां पे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मालव प्रवेश। क्या होगा? मालव प्रदेश। यहां प्रवेश लिखा है, इसको काट लीजिएगा, मालव प्रदेश कर लीजिएगा, मालव प्रदेश। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला सवाल आपके सभी के सामने है जो आपको दिख रहा है, दिल्ली के पुराने, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना, किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो साथी कमेंट करें भाई, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट तो कर सकते हैं ना, कि नहीं कमेंट करेंगे बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यार आप लोग को तो अजीब इंसान है, आप लोग तो जवाब ही नहीं देते।
चलिए ध्यान से देखते हैं। यहां पे इस प्रश्न का जो सबसे सही और सबसे सटीक उत्तर होगा वो शेरशाह सूरी होगा। क्या होगा? शेरशाह सूरी होगा। शेरशाह सूरी ने दिल्ली की जो पुराना किला था उसके अंदर किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, क्या कराया था? मस्जिद का निर्माण कराया था। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रख लीजिएगा। हाँ ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने है। गांधी जी ने किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चंपारण आंदोलन, बारदोली आंदोलन से, खेड़ा के आंदोलन से? गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल है या आधुनिक भारत के इतिहास का सवाल है? मैंने अगर हम बात सवाल ही करें तो मैंने यह भी बता दिया कहां से, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन लेना है इस तथ्य को पूरे अच्छी तरीके से जवाब देना होगा और बताना भी पड़ेगा। आप लोग यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, काहे बार बार आप लोगों को कहना पड़ता है। आइए यहां पर ध्यान से देखते हैं। यहां पर हमने देखा चंपारण आंदोलन, यह कब हुआ था बताइए? ये 1900, अगर हम बात करें तो यह 1918। एक खेड़ा आंदोलन हुआ था, यह भी लगभग 1918 के ही दशक में हुआ था, 17-18 के दशक में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न की अगर हम बात करें इसका उत्तर ए और सी दोनों है, यहां पर खेड़ा और चंपारण। ठीक है, चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। हम आपके साथ मिलके अगला सवाल आप सभी के सामने है। अच्छा, ये मतलब देखिए इसको ऐसे मान लीजिएगा 17-18, तब क्योंकि अभी कुछ लोग कहेंगे सर 18 कैसे, ऐसे लिख लीजिएगा 17-18 और ये पूरा 18। महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे केस के, सिंघम मिशन में, रामगढ़िया मिशन में, सुरकर चाकिया मिशन में, दलेवालिया मिशन में। तो देखिए रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो गुजरावाला पाकिस्तान में 1780 के दशक हुआ था और सुकर चकिया मिसल के प्रमुख मानसिंह क्या हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो सी इसका सही और राइट आंसर होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर देर रात तक मिल जाएगी और टेलीग्राम पर सभी साथी जुड़े रहिएगा। ये ऐसे सवाल है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान के अलावा कौन देश ने मध्यस्थता किया था? तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं फिर सभी साथी कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। अगर हम बात ताशकंद समझौते ही करें तो ये भारत और पाकिस्तान के अलावा सोवियत संघ ने, किसने? सोवियत संघ ने इसकी मध्यस्थता की थी। इस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहां पाए गए? पुरातन विश्वविद्यालय के अवशेष कहां पाए गए? नालंदा, उज्जैन, वाराणसी, विक्रमशिला? तो जो बिहार की राजधानी पटना के पास राजगीर के समीप आधुनिक बड़ागांव नामक एक गांव है, वहीं से नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। यह विश्वविद्यालय का 7वीं सदी का पूरी दुनिया का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। मेरा सवाल आप सभी से है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां पर है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस बात का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में जरूर यहां सवाल आएगा, नालंदा का स्थापना किसने किया था, विक्रमशिला का किसने किया था, वर्तमान में दोनों कहां कहां पे हैं। सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब का हम प्रतीक्षा करेंगे। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? माने कहां के धार्मिक सम्मेलन में वो दुनिया में विश्वविख्यात हो गए? लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन? बताइए से मिलो फटाफट कमेंट करके। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो जवाब आप लोग का आ रहा है कुमार गुप्त और धर्मपाल, लेकिन कौन? कुमार गुप्त, अच्छा धर्मपाल, विक्रमशिला। देखिए आप लोगों ने एकदम जवाब भी दे दिया तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा? विक्रमशिला, धर्मपाल, नालंदा,
कुमार गुप्त। ठीक है, तो समझ में आया सबको? किसी के मन में कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइएगा। हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा शिकागो। शिकागो अगर आपने बताया तो जवाब सही है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए, और विवेकानंद बंगाल के कायस्थ परिवार संबंधित थे। ये भारत में बंगाल से थे, और शिकागो किस देश में है? तो मेरा सवाल आपसे फिर आता है कि शिकागो किस शहर में, किस देश में है? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके दीजिएगा। अगला सवाल है कि लोकसत्ता समाचार पत्र कहाँ का है? तो यह महाराष्ट्र का समाचार पत्र है। कहां का है? यह महाराष्ट्र का समाचार पत्र है। ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न तो नहीं है ना? बताइए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ सभी लोग। अगला सवाल आपके फिर सामने है। अमेरिकी स्वतंत्रता की स्वीकृति मिली पेरिस की संधि से, लंदन की संधि से, वर्षाय की संधि से, मिसौरी के समझौते द्वारा? बताइए। देखिए, यॉर्कटाउन में जब अंग्रेजी सेना को अमेरिकी सेना ने पराजित कर लिया, तो 1873 में पेरिस की संधि होती। कब होती है? 1873 में पेरिस की संधि होती है। और जब 1873 में पेरिस की संधि हो जाती है, तो इंग्लैंड 13 अमेरिकी बस्तियों को छोड़ दिया, आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, और नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के साथ साथ तय कर दी गई। किससे? ओहियो नदी के साथ जो सीमा थी उसको तय कर दी जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया तो जवाब सही है। अगला सवाल, पुनर्जागरण रेनेसा का आरंभ हुआ जर्मनी, रूस, भारत? तो रेनेसा, या इसे हम पुनर्जागरण, रेनेसा को हम पुनर्जागरण कहते हैं, मतलब प्राचीन ग्रीस और रोम की सभ्यता के बारे में जानकारी एकत्रित करना। इन सभ्यताओं का ज्ञान विज्ञान में पुनः रुचि जगाने से मतलब था पुनर्जागरण। और आगे चलकर इसने संपूर्ण यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के विकास में अपना सबसे अमूल्य और बहुमूल्य योगदान दिया। पुनर्जागरण का पहले आंदोलन का उदय कहां से हुआ था? इटली में हुआ था। कहां पे हुआ था? इटली में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कोई सही नहीं है। कहां पर हुआ था? इटली में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इटली होगा। क्या होगा? इटली। तो अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर इसमें कोई नहीं दिया था तो इसका उत्तर आपको पता हो गया, इटली इसका सही जवाब है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया? अगर जिनको समझ में आ गया वो तुरंत इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखते चले। अगला सवाल आप सभी के सामने है, शायद आपको अब दिख रहा होगा। कह रहा है कि अंग्रेज ने प्यूरिटनों द्वारा अमेरिकी उपनिषदों में जाकर बसने का प्रधान कारण क्या था? शांति से रहने की सुविधा, स्वर्ण का लोह, हाँ, लंबी चौड़ी भूमि प्राप्त करने की आशा, औपनिवेशिक शासन का विस्तार। तो अंग्रेज प्यूरिटनों द्वारा अमेरिकी उपनिवेश में जाकर बसने का कारण केवल केवल शांति से रहने की सुविधा थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। भारतवर्ष की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? तो यहां पे ध्यान से देखिए, अगर भारतवर्ष की उत्तरी सीमा की हम बात करते हैं तो देखिए, पहले हम लोग भारत का मैप बनाते हैं। माना भारत कुछ इस तरह से है। माना ये हमारा भारत है। काम चलो, मैंने भारत बना दिया, बहुत अच्छा तो नहीं बना है। माना ये भारत है। अगर हम इस भारत के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में दो चीजें, एक तो यहां ये बिंदु आता है, ये भारत का अगर देखा दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का देश है। तो ये हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम यहां पे बात करें तो ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ये देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु यहां पर है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहां पे 68 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी ईस्ट। तो यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों,
इस देश के निर्माताओं जरा कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पेज यूट्यूब पर निःशुल्क देश हित में राष्ट्र हित में मेरे द्वारा आप सभी के लिए इलेवन विद दुर्गेश पर गेस्ट के रूप में पढ़ाई जा रही है, आपके लिए लाई जा रही है ताकि आप भी अपने भविष्य को संवार सके, अपने आप को और बेहतर कर सके। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लें। अगर आपको लग रही क्लास बेहतर है तो यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं लगेगा यार। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितने लोग देख रहे हैं उतने लोगों ने नहीं लिया है। अच्छा, हम साइड हो जाएं, दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट हम देख लेते हैं। अच्छा, हम साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से दिखते हैं। यहां पे 6 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, अब हम चलते हैं और अगले सवाल की तरफ। हट गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अच्छा, बढ़ जा रहे हैं आप, देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है, यहां पे सबसे ध्यान देने योग्य की बात है, 7516.6 किलोमीटर। इसलिए यहां पे इस प्रश्न का सही उत्तर लगभग हो जाएगा 7500 किलोमीटर। भारतीय तटरेखा की लंबाई में इसके द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप भी सम्मिलित किए गए हैं। इसलिए हम और आगे बढ़ते हैं एक अगले और सवाल की तरफ। अगला सवाल फिर आपके सामने है, भारतवर्ष का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारतवर्ष का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। किसकी दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोगों का यह सवाल सही है, माने इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर होगा, बताइए 33 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। अब जरा बताइए कि आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग, दिखाई दे रहा है? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना? किसी देश, अगला सवाल है, किसी देश में सबसे अधिक पारा का उत्पादन होता है? यूएसए, कनाडा, इटली, स्पेन में, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं। सबसे अधिक पारा और यूरेनियम दोनों, यहां पे सवाल होगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न आ सकता है, यूरेनियम, यह दोनों में अग्रणी अगर कोई देश है तो है आपका कनाडा। किसमें पारा में और यूरेनियम में, इन दोनों में कनाडा अग्रणी है, कनाडा पहले स्थान पर है। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। देखिए, नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, कमेंट करने से बढ़िया इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी नोट्स के लिए। ठीक है, यहां पे विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहां पर है? तो डेट्रॉयट, टोक्यो, वर्गिन, बर्लिन, तो यहां पे होगा डेट्रॉयट। डेट्रॉयट की बात करें यूएसए में, ये कहां पर है? ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ये डेट्रॉयट शहर भी है और ये डेट्रॉयट नदी के किनारे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम विश्व की महाद्वीप पढ़ेंगे सातों महाद्वीप, तो वहां पे जब अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे फिर से आपको डेट्रॉयट पढ़ना पड़ेगा। तो ये डेट्रॉयट नदी के किनारे स्थित है। इसके अतिरिक्त जो क्लिफ्ट लॉन्सिंग, टोलेडो गाड़ी आदि निर्माण के इनके प्रमुख केंद्र हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। भाई, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा, पैसा आपका नहीं कटेगा। हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाएंगे और हम आपके लिए एक नया कंटेंट भी डिजाइन कर रहे हैं, जल्दी हम आपके बीच उसके साथ रूबरू होंगे। अगला सवाल आपके सामने है, न्यूयॉर्क किस नदी पर बसा है? यह विश्व भूगोल की सीरीज में आपके सामने है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? आइए
एक एक करके अगर हम कहेंगे तो चारों विकल्प की व्याख्या हम कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो केवल एक प्रश्न का जवाब देंगे। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, और अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं प्राप्त किया तो आज ही लेनी बिद्रगेश के ऑफिस से नोट्स प्राप्त कर लीजिए। अगला है, न्यूयॉर्क किस नदी पर बसा है? योडुमेक नदी, फीबे नदी, हर्सन नदी, स्पी नदी। तो जो न्यूयॉर्क है ये हर्सन नदी पर बसा है, ये भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में है। किस नदी पर? हर्सन नदी पर बसा है न्यूयॉर्क, हर्सन नदी किनारे बसा है। और अगर हम डेन्यूब की बात करें तो ये डेन्यूब, डेन्यूबा जो डेन्यूब नदी किनारे बेलग्रेड बसा हुआ है। अगर हम डोयोमेक नदी की बात करें, डोयोमेक नदी पर, तो डोयोमेक नदी पर क्या बसा है? वाशिंगटन बसा है। क्या बसा है? लिखना चाहे लिख लीजिएगा, वाशिंगटन बसा है। अगर फीबे नदी की बात करें तो क्या बसा है? शिकागो, शिकागो नदी किनारे बसा हुआ है। तो यहां से प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रश्न के बारे में भी आप चीजें जानते रहें। अगला है फेरल का सिद्धांत। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वह इसकी स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे, क्योंकि हम भी ये देखना चाहते हैं कितना बेहतर आपकी तैयारी है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देखिए फेरल का नियम क्या है? फेरल का सिद्धांत जो था वो हवाओं की दिशा से था, वेग से था, लहरों की तीव्रता से था। बताइए मेरे प्यारे साथियों, देश के निर्माताओं, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया, फेरल का दिशा था। इन्होंने कहा था जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं घूम जाती हैं। यही था फेरल का नियम। क्या था? यही था आपका फेरल का नियम। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो हवाएं हैं ये अपनी मूल दिशा को विक्षेपित हो जाती हैं। इसे कोरियालिस बल भी कहते हैं। इसे हम कोरियालिस बल के भी नाम से जानते हैं। इस बल के प्रभाव ही उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं घूम जाती है। इस विक्षेप को फेरल नामक विद्वान ने दिया था, इसलिए इसे फेरल का नियम या कोरियालिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियालिस बल के नाम से यह जाना जाता है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला है फेस्पिंग रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो नाम ही साफ दे दिया है, मैंने इसे परिप्रशांत महासागरी, मैंने परिप्रशांत मेखला पेटी के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा रिंग ऑफ फायर बनाता है जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं, और जहां ज्वालामुखी है वहां भूकंप भी होगा। मतलब इस प्रश्न का उत्तर साफ है, बी इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। मैंने पढ़ो वही जहां से परीक्षा में सवाल है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। यह प्रशांत महासागर में है। यहां पर इस पेटी में लगभग 400 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, और पश्चिमी तट पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी जो तट है इसके, वहां पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मिलते हैं। यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, और जब विस्फोट होंगे तो भूकंप भी आएंगे। यह बात तो लाजिमी है आप सभी के लिए, क्योंकि भाई आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। थ्योरी मैंने पढ़ाया था, और जल्द ही आपकी थ्योरी क्रमवार रूप से मिलने वाली है। यह एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। एक दो दिन का समय, उसके बाद हम आपके लिए एक बड़ी सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहां पे हम पूरी सामान्य दिन की सीरीज, जीएसजी के विविध की सीरीज विस्तृत व्याख्यात्मक रूप से आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप भी कह सके अब की बार एक सीट हमार, मतलब आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि जो राकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय, ये किस प्रकार के पर्वत हैं? ये पर्वत हैं? या मेरा सवाल है, राकीज पर्वत कहां पर है, एंडीज पर्वतमाला कहां पर है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये दक्षिणी अमेरिका, देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। एटलस कहां पर है? ये अफ्रीका, और ये एशिया। तो ये महाद्वीपों के बारे में है। वैसे मैंने आपको बता दिया, आपको मुझे बताना चाहिए ये कैसे हैं। मिश्रित पर्वत हैं, संग्रहित पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, अवरोधी पर्वत हैं।
तो जितने भी साथी इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। ये नौ वलित पर्वत श्रेणी है, संग्रहित क्षेत्र के ये नौ वलित पर्वत श्रेणी है, नौ वलित पर्वत श्रेणी है। कैसे है? नौ वलित पर्वत श्रेणी, नौ वलित पर्वत श्रेणी है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रखिएगा भैया, आपको बार बार कहना पड़ रहा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन कभी भी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहा? केवी के सुंदरम, जीएस ढिल्लो, मनोहर जोशी, हुकुम सिंह। देखिए यहां पर होगा इस प्रश्न का उत्तर, आप लोगों ने एकदम सही बताने का प्रयास किया है। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? केवीके सुंदरम ये कभी नहीं रहे हैं, जीएस ढिल्लो, इनका नाम पूरा था गुरपाल सिंह ढिल्लो, और ये पांचवी लोकसभा, पांचवी लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। मनोहर जोशी ये कब थे? 13वीं लोकसभा का। हुकुम सिंह ये कब से कब थे? ये तीसरे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, जो गलत है वही आपका सही है। तो आप लोग को जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं कि मैं से केवल पढ़ाता जा रहा हूं। ये परीक्षा वाले सवाल हैं, यहां से प्रश्न पढ़ने के बाद आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होना है। अब हम चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, पढ़िए वो जिससे आपको सिलेक्शन मिले। अगला है, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य सबसे बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजता है? उत्तर प्रदेश 80 सांसद भेजता है, कौन? यूपी, अपना प्रदेश। उसके बाद दूसरे स्थान पर क्या आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, 48 महाराष्ट्र भेजता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बारी आती है, अगर हम बात करें तो यहां पे 42 आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो परीक्षा में सवाल आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। बिहार में 40, यहां बिहार है ना, बिहार में 40। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो 42, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 48। मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो महाराष्ट्र होगा। मेरा सवाल जिस का तेज बना हुआ है, और सवाल ये है कि राजस्थान में, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान में लोकसभा के कुल कितने सदस्य संख्या है? तो जवाब इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार आपकी भैया मेरी नहीं। गोवा में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में 2-2 सीट है, जबकि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में 1-1 लोकसभा के सदस्य संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहां दिक्कत हो कमेंट करिएगा, पूछिएगा, हम आपके सभी सवालों के लाइव जवाब देंगे। अगला है आपके सामने सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1947, 46। तो देखते इसका जवाब क्या होगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। संग्रहित का मतलब यह मान लीजिएगा कि नौ वलित की श्रेणी में ही था, इससे ज्यादा आप कुछ समझिए ना। देखिए ये सिलेक्शन वाले सवाल है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं वीडियो को प्रारंभ से देखा करिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और 29 अगस्त की अगर हम बात करें तो एक प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न पूछता है कि प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी, तो जो प्रारूप समिति की स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना, प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी, जिसमें भीमराव अंबेडकर सहित, अगर भीमराव अंबेडकर सहित कुल कितने सदस्य थे?
कुल सात सदस्य थे। कितने सदस्य थे? भीमराव अंबेडकर सहित कुल सात सदस्य थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा की बैठक का जो तीसरा वाचन हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। लेकिन एक सवाल है कि संविधान सभा के कुल कितने वाचन हुए थे, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। ये क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव चल रही है। हम बात करते हैं अगला, वन उत्पादन कृषि किस सेक्टर में आते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकृति प्रदत्त निशुल्क उपहार जो होता है वो प्राथमिक सेक्टर में रखे जाते हैं। अंडा देना, लोग कहते हैं भगवान, मतलब इसे मछली पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, कृषि, एग्रीकल्चर, बागवानी, पेड़ लगाना, खनन, उत्खनन, ये सब जितने हैं, जितने लोग कहते भगवान ने दिया, वे सभी आपके प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। किस में आते हैं? प्राथमिक में आते हैं। उसके अलावा जो विनिर्माण हो गए, जैसे आलू प्राथमिक, लेकिन पापड़ बनाने के लिए, आलू भुजिया नमकीन बनाने के लिए मशीनरी का प्रयोग करना होगा। जब मशीनरी का प्रयोग करना होगा उसे विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीयक सेक्टर आता है जो मशीनरी होता है, बिजली, सीमेंट आदि है, प्लांट हो गए, बड़े बड़े उद्योग हो गए। तृतीयक में आता है, जैसे इसमें सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय को क्या कहते हैं? इसे सेवा क्षेत्र, इसे कहते हैं सेवा क्षेत्र। और द्वितीय को कहते हैं विनिर्माण, क्या कहते हैं? विनिर्माण, इसे कहते हैं, इसे विनिर्माण कहते हैं। यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। किसी के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? चलिए भाई, जिनका जन्मदिन है उनको शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोग जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता, बताइए। बहुत आसान सा सवाल है भाई, जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए, अगर विकासशील देश की बात करें, सभी लोग समझिएगा, आप लोग विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, निर्धन जनता के प्रति व्यक्ति आय जो होते हैं, जो जनता की जो प्रति व्यक्ति इनकम होती है, रोजगार में वृद्धि, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, माने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था से अगर हम बात करें तो आतंकवाद का कोई संबंध नहीं है। उच्च बेरोजगारी होती है, बढ़ती गरीबी, बढ़ती जनसंख्या, माने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सी, जो गलत है वही आपका यहां पे सही होगा, कि हमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में मानवाधिकारी रूप में अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 24 नवंबर, 14 नवंबर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जितने इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं। यार आप लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बताइए कैसे होगा? नहीं बताएंगे? ऐसे सिलेक्शन लेंगे? 24 अक्टूबर भारत इसी दिन इसका सदस्य बन गया था। भारत प्लस 49, कुल 50 देश, कुल 50 देशों ने इसी दिन सदस्यता ग्रहण कर ली थी। भारत भी उसमें एक था जो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में आधिकारिक रूप से जुड़ा। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे इस वीडियो को यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? इसे हम एडीबी बैंक के नाम से जानते हैं, ए डी बी बैंक के नाम से जानते हैं। यहां से सवाल आते हैं परीक्षा में, वाशिंगटन, पेरिस, मनीला, कैनबरा। तो इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1966 में कितने सदस्य देश हैं? 59 देश क्या है? सदस्य है। 59 देश इसके सदस्य हैं। यह मनीला में है,
कहां पे है? मनीला में। लेकिन मनीला कहां है? ये फिलीपींस में है। ये कहां पर है? ये फिलीपींस में है। ये कहां पर है? ये फिलीपींस में है। तो यहां से अगर आपके सवाल परीक्षा में आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, और अब करेंगे भी नहीं। नहीं, आप सबके कमेंट तुरंत पहुंच रहे हैं, समय से पहुंच रहे हैं, किसी के देर से नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं कमेंट पे ध्यान देने जगह मैं आपके टॉपिक पे ध्यान दे रहा हूं। कमेंट पे ध्यान देने मुझे नीचे देखना पड़ रहा है और मुझे सिलेक्शन के लिए ऊपर देखना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम आपके सिलेक्शन को देखते हैं, आपके कमेंट को बाद में देख लेंगे। अगला सवाल है, द कोर्स ऑफ माई लाइफ माई ऑटोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? बताइए। तो यहां पे एडवर्ड थीन ने लिखी। किसने लिखी? एडवर्ड थीन ने लिखी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग जितने इस वीडियो को देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? रामचरितमानस वाल्मीकि, शाहनामा फिरदौसी, कामायनी जयशंकर प्रसाद, आईने अकबरी अबुल फजल। देखते हैं इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन जवाब देता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। लीजिए, आपका कमेंट ही देख रहे हैं, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके। देखिए, बताइए आप लोग। देखते हैं इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर कौन देता है। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 का जवाब कौन दे रहा है? भगवान जल्दी से। देखिए, आईने अकबरी अबुल फजल राइट आंसर, कामायनी जयशंकर सही जवाब, शाहनामा फिरदौसी सही जवाब, लेकिन रामचरितमानस वाल्मीकि नहीं है, ये तुलसीदास होगा, तुलसीदास। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, वाल्मीकि की नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, आप लोगों ने छोटी छोटी गलती किया है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन किसने लिखा था? बट्सवर्थ, शेक्सपियर, लिंकन, पॉप। तो ये बट्सवर्थ की रचना है, इसके पहले ही वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसलिए इसका उत्तर ए होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? अगला है, आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड टू बिलो अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज ए पॉसिबल, ये किसने कहा? यह कथन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद किसकी थी? और देखिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लास आपके जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चल रही है, और टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पे दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे, तो यहाँ से आप सभी को सभी क्लास नोट्स मिल जाएगी, हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जो टेलीग्राम यहाँ पर है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो आइए इसके बारे में हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, अपना बेहतर दे सकें। बताइए क्या किया जाए? क्या बता रहे हैं आप लोग? चलिए, आप लोगों ने बताया। देखिए, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार था, जो फिलीपींस, मैं यहाँ पे इसका जवाब भी देता हूँ, फिलीपींस के जो राष्ट्रपति थे, रमन मैग्सेसे की याद में रखा गया। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1958 में, 1958 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इसे एशिया का नोबेल कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे एशिया का नोबेल कहते हैं।
इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पांच क्षेत्रों में दिया जाता है, यह पुरस्कार कुल पांच क्षेत्रों में दिया जाता है। पांच क्षेत्र कौन कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय समझ, पत्रकारिता, जनसेवा, समुदाय नेतृत्व, शासकीय सेवा। पत्रकारिता में साहित्य और रचनात्मक संचार करना यह आता है। तो याद रखिएगा, ये पांच क्षेत्रों में दिया जाता है, शासकीय सेवा, जनसेवा, अंतरराष्ट्रीय समझ, समुदाय नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार। तो इसके लिए दिया जाता है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब प्रश्न का 35 का उत्तर क्या होगा? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, आई वॉन्ट टू द कल्चर ऑफ ऑल लैंड टू बी ब्लू अबाउट माई हाउस ऑफ फ्रीली एज ए पॉसिबल। नहीं, 35 का आंसर बी होगा। एक बार देख लीजिए, एकता जी ने बताया है कि महात्मा गांधी जी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, ठीक, हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट करते चले, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर गोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? जान की पृथक्करण के लिए, रक्त के समूह डीएनए की खोज के लिए, एड्स की विषाणु की पहचान के लिए। तो इन्हें जीन, यहां पे ध्यान से देखिएगा, जीन के पृथक्करण के लिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए। शतरंज के बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो 8 × 8 64। ये सब तो बहुत आसान प्रश्न होंगे। काले रंग का कितना होता है तथा सफेद होता है ना? अच्छा, इसमें मोहरे कितने होते हैं? देखिए, इसमें ध्यान से देखना होगा, 32 काले, 32 सफेद, और कुल मोहरे 16 + 16। ध्यान दीजिएगा, हाँ, मोहरे की कुल संख्या कितनी होती है? 8 × 8 = 16। 8 × 8 = 64 हो जाता है ना। मोहरे हो जाएगा आपका 8 + 8, 16 + 16 32 होता है। मोहरे कितना होगा? 32 होगा ना, 16 16, तो कितना जगह ही बचता होगा। ठीक, उसके बाद ये हो गया, मोहरे हो गया। अच्छा, चेक, इसमें कुछ शब्दावली होती है, जैसे महत्वपूर्ण, चेकमेट है, स्टेलमेंट है, जेवीट है, डिस्कवर्ड है, चेकपिन है, तो एस नाइट रूल है, पोन है, क्वीन है, किंग है। तो ऐसे शब्दावली है जो शतरंज में इस्तेमाल किए जाते हैं, शतरंज के खेल में बोली जाती है। अच्छा, ऐसे हाथ लगा लेते हैं, ऐसा लगता है एकदम, हाँ, कैमरे के पास आ जाते हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, जर्किंग संबंधित है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? बताइए। एक साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंध कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले लीजिएगा। ये सभी क्लासेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर हम निःशुल्क, देशहित में, राष्ट्रहित में अपनी क्लासेज लेकर आते हैं, अपने बचे हुए समय में। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से संचालित की जाती है। और आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा, जैसे आएगा वहाँ पे जुड़िएगा, सभी क्लासेज आपको निःशुल्क, देशहित में, राष्ट्रहित में मिलती रहेंगी, और आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सभी लोग नोट्स और क्लास दोनों। ठीक है, जर्किंग संबंधित है, जर्किंग ये घुड़सवारी से, घुड़दौड़ से है। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? देखिए, यहां पर जिस समय परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, और इस समय जो विकल्प है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, +1 17। मान, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 17।
माने यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सी, 17 जून। कितने जून है? 17 जून है। तो आप सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी कोई प्रश्न हो आपके मन में तो पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ज्यादा ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, क्योंकि अब मुझे विदा करिए आप भी और हम भी चलते हैं। देखते हैं आप लोग की रेस कहां तक पहुंचती है। आप सभी का थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा। आखिरी क्लास था, मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल इश्यू होने वाला है, इसलिए हम पहले ही क्लास को बंद कर देते हैं आपके साथ। ठीक है, बाय बाय।